हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। तो दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आज आपको पार्ट दो कराऊंगा, ये पार्ट एक था, आज पार्ट दो होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा दसवीं की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 15वां, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। कि लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। एक ना ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। देखो, कॉनकेव लेंस आपको आइडिया होगा कि कॉनकेव को अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस होता है ऐसा, बीच में पतला, किनारे पे मोटा। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस एंड फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी फोकल लेंथ इस साइड होती है, AF1, 2F1, F2, 2F2 ऐसी होती है ना। तो कह रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, और 30 इसकी फोकल लेंथ ये वाली होती है, और इस तरफ की दूरी माइनस लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या ले लो, माइनस। और वस्तु कहाँ रखी है, 60 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है आपको -60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि यूज लेंस फॉर्मूला, हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो हमें वी निकालना है, V को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ये बिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी। तो एक तो ये निकालना है। अब ये बोल रहा है कि लिस्ट फॉर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज एंड इरेक्ट एंड इनफॉर्म। फिर इसी में बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी पोजीशन स्थिति कहाँ है, साइज कैसा है, सीधा है या उल्टा है, और फॉर्म बाय द लेंस इन दिस केस, इस लेंस ने कैसा बनाया है। फिर ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ द जस्टिफाई योर आंसर ऑफ द पार्ट टू। पार्ट टू के लिए फिर आपको ऐसा डायग्राम भी बनाना है। तो साफ दिख रहा है कि फोकस दूरी कहाँ पे है, मतलब 30 है, तो वस्तु कहाँ रखी है, 60 पर, यानी इसका डबल यहाँ पर रखी है, तो वस्तु यानी यहाँ पे रखी है। अब ये पहली किरण कहाँ जाती है, समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, और फिर वो फोकस से होनी चाहिए, लेकिन फोकस पीछे रह गई तो उधर की ओर फैल जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि प्रकाश केंद्र से जाएगा और सीधा गुजर जाएगा, वापस नहीं लौटेगा, तो इन दोनों ने यानी यहाँ काट दिया, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा बनेगा, साइड में छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो यानी आपका बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉल साइज का बनेगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बनेगा। तो बस अब इसको लेंस सूत्र से सिर्फ इसको सोल्व करना रह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एम भी निकालेंगे यानी, ठीक है। तो पहले हम ले लेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, तो यानी लेंस सूत्र, 1/V -1/U -1/F। यहाँ माइनस आता है लेंस में, अगर ये दर्पण होता तो प्लस आता। अब 1/V निकालना है, तो 1/F ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/V निकालना है, 1/ फोकल लेंथ माइनस का 30 प्लस, यू की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/30 और प्लस माइनस -1/60, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 60। 30 के पढ़ में 60 दो बार आता है, ऊपर घटा 2 और घटा 1, क्योंकि 60 के पढ़ में 60 एक बार आता है, ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक एकम एक ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 -3/60, ये कट जाएगा, तो 1/V बराबर जाएगा -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी की वैल्यू हो जाएगा -20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी बन जा, मतलब -V और 20 बन जाए 20, ये माइनस इधर भेज देंगे तो -20 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे बनेगा, तो इमेज, तो आपका जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और माइनस का मतलब है दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है, तो दर्पण के सामने बनेगा। उसके बाद अब क्या निकालना था,
अब m निकाल लेंगे तो माइनस का v अपॉन u, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, लेंस है, तो ये प्लस का फॉर्मूला होता है, तो ये ले लेंगे हम माइनस 20 और बटे में u की वैल्यू क्या थी, माइनस का 60, इसे काट देंगे तो 1/3 यानी 0.33। तो 0.33 का मतलब है कि ये सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, ठीक है, और हमने देख लिया इसका ट्री डायग्राम ऐसा बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा, विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस जॉइन इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। कह रहे ना कि एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए और उससे इस बात को बताइए कि जो हम प्रतिरोध निकालते हैं जब हम सभी तारों को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो सभी तारों का जो प्रतिरोध होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल का सम होता है जैसे 1/r बराबर 1/r1 1/r2 ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर ऐसे दूसरा क्वेश्चन कहता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेसिस्टर लगे हुए हैं, प्रतिरोध एक 12 ओम का और आर इच जॉइंट इन ए पैरेलल, तो वो पैरेलल सीरीज में बना हुआ है, ठीक है, इसका डायग्राम अभी दिखाऊंगा आपको। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेसिस्टर 12 ओम इच आर जॉइंट इन ए पैरेलल टू ए 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो इस सर्किट में दो रेसिस्टर जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, इसमें करंट यानी आई निकालना है, विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा निकालना है, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 12 12 ओम के और बैटरी है 6 वोल्ट की, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए जो भी हम पहला क्वेश्चन पढ़े थे, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप टू रेसिस्टेंस ज्वाइन, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखो एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। तो पहले आप क्या बना लेंगे, जैसे एक सेल बैटरी वगैरह बना लेंगे, ये वी होता है, और फिर यहां पे ऐसे ऐसे आप बहुत सारे तार ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे जोड़ लेंगे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 R3 ऐसे RN तक और भी बहुत सारे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर विद्युत धारा बह रहा होगा I1 I2 I3 ऐसे ऐसे सब में होगा, और पूरे सर्किट में करंट ये प्लस से माइनस की ओर ऐसे बहेगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना जो रेसिस्टेंस है यानी जो प्रतिरोधक है उनकी संख्या N है, ठीक है, जिनके नाम R1, R2, R3 ऐसे ऐसे लिख देंगे, जो कि एक पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक बोल्ट के साथ, एक वोल्टेज V के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे कि जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है, V/R होता है। तो अगर हमें टोटल करंट निकालना है यानी टोटल विद्युत धारा निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इन सबको हमने पैरेलल सीरीज में जोड़ा है और इसमें वोल्ट बह रहा है विभवांतर V। अब हम क्या लिखेंगे कि I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे होता है, तो I का फॉर्मूला V/R भी होता है, तो V/R में R बराबर ये टोटल का सम हो जाएगा, तो वो V/R1 V/R2 V/R3 ऐसे ले लेंगे एन तक, तो 1/RN तक, V/RN तक, सब में से V कॉमन ले लेंगे ऊपर में से, तो बचेगा 1/R1 1/R2 ऐसे 1/RN तक बच जाएगा, और ये V/R सम, तो V भी कट जाएगा, तो 1/R, यही प्रूफ करना था आपको कि R1 R2 R3 ऐसे ऐसे RN तक होता है, तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद था एक अगला क्वेश्चन कि ऐसे एक सर्किट था, उसके अंदर दो ऐसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, स्विच जोड़ देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी थी,
दोनों का प्रतिरोध 12 ओम था और दोनों को हमने पैरेलल यानी पार्श्व में जोड़ा था। हमें आई यानी विद्युत धारा निकालना था। तो पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे जो कि पार्श्व क्रम में, तो 1/R1 1/R2, तो 1/12 1/12। एलसीएम ले लेंगे 12 का 12, तो 1+1, तो 1/R बराबर 2/12। काट देंगे तो 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आर का मान 6, तो जो कुल प्रतिरोध है वो आ जाएगा 6। अब विद्युत धारा आई का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, V/R, तो यानी 6 वोल्ट की बैटरी 6 ओम का प्रतिरोध कट जाएगा, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है एन इलेक्ट्रिक लैंप। ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है ये वाला, इसका रेसिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, ये 20 ओम दिया हुआ है। एंड द कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4, एक कंडक्टर ये है चालक, इसका भी आपको 4 ओम दे रखा है। एन आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, शोन इन द सर्किट, ये पूरे सर्किट में दिखाया गया है। कैलकुलेट करना है आपको द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द करंट। देखो टोटल रेसिस्टेंस कितना आसान है निकालना, ये कैसे, ये कौन से सीरीज में है, ये आपका मतलब एक के आगे एक सीरीज में श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला R1+R2 होता है। नहीं तो उसके बाद हम 4 और 20 को जोड़ देंगे तो 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि द करंट थ्रू द कट सर्किट, मतलब जो करंट बह रहा है ना वो आई निकालना है आपको यानी। ठीक है, तो करंट यानी आपको आई निकालना है, तो फॉर्मूला होता है कि V बराबर IR, तो V आपको 6 वोल्ट दे रखा है और I और R का मान अभी अभी हमारा 24 आया है, तो 24 बटन भेज देंगे तो I का मान 6/24 कट के 0.25 एम्पियर। फिर अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक लैंप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लैंप में और कंडक्टर में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का निकालेंगे तो V/IR होता है, अभी अभी I का मान 0.25 आया था और इसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध 20 है, इसे 20 से गुणा कर दोगे तो 5 वोल्ट। ऐसे ये कंडक्टर का निकालना है तो V/IR ले लेंगे, अभी अभी I का मान 0.25 आया है और रेसिस्टेंस इसका था 4 ओम, तो 4 से गुणा करोगे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट ये 5 वोल्ट ये पावर निकालना है, पावर ऑफ द लैंप। तो देखो पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है जैसे V × I। ठीक है, V × I होता है, तो V कितना था 6 और ये हो गया 0.25, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, गुना हो जाएगा 6×30 = 0, आंसर 3×6×3=15, तो यानी 1.50 वोल्ट। या फिर कई जने ऐसे कहते हैं कि पावर निकालने के लिए ना I²R लगा देंगे, तो I² यानी 0.25 R का मान लैंप का निकालना है ना, लैंप का, तो 20 लेंगे। ये वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि लैंप का फिर लेने के लिए आपको 5 लेना चाहिए था यानी। ठीक है, क्योंकि लैंप के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बह रहा है, अभी निकाले थे ना 5, तो 5 गुना करते तो 1.25 वोल्ट। तो अब इसको भी करोगे ना अगर 0.25 20 से, तो आपका अब आंसर आएगा 1.25 वोल्ट। सही है, अगला प्रश्न है हमारा कि व्हाट इज सोलिनोइड। सोलिनोइड होती है परिणालिका, परिणालिका क्या होती है, पास पास लिपटी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिणालिका कहते हैं, सोलिनोइड कहते हैं। तो ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो तुम्हें ना इनका मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न खींचना है, तो आपने खींच रखा होगा एक ऐसे 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 ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे आपको खींचना होता है। बस इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, बैटरी वैटरी जोड़नी पड़ती है, ऐसे प्लस माइनस ऐसे जोड़नी पड़ती है। तो अगर आप प्लस इस तरफ लेते हो माइनस इस तरफ लेते हो तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का है ना इस दिशा में जाएंगे, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। ठीक है, तो उत्तर से निकलेंगी दक्षिण में आके मिल जाएंगी। आगे कह रहा है ना कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनोइड, जब इसमें से करंट जा रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाना था, मैंने बना दिया है। और एक बार मैग्नेट का भी बनाना है, बार मैग्नेट तो आप जानते हैं छड़ चुंबक होता है ऐसे, इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, इसमें भी बनाओगे तो नॉर्थ से निकाल के साउथ की तरफ बना दोगे ऐसे। ठीक है, तो तीर नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ दिखा दोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है,
उसके बाद बोला है कि लिस्ट द टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड, इन दोनों के क्षेत्रों में क्या अंतर है। देखो इन दोनों के क्षेत्रों में ये अंतर है कि ये फिक्स होता है, इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, इनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर हम करंट चेंज करेंगे तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें करंट को कम ज्यादा करने से इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, ये दोनों में अंतर है। अगला है कि नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके अंदर ना हम वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाते हैं। तो सबको पता है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिस्ट द टू सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स ऑफ मेल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ फीमेल, हमें दो लैंगिक लक्षण बताने या द्वितीय लैंगिक लक्षण बताने हैं जो नर में मादाओं से अलग होते हैं। तो बहुत आसान है, पहला लिख देंगे मुस्टेचिस यानी मूंछों का होना, फिर लिख देंगे बियर्ड दाढ़ी का होना, फिर लिख देंगे हॉर्स वॉइस तेज आवाज का होना, और शरीर के बॉडी पे घने बाल आना, ठीक है, ये सिर्फ लिख देंगे थिक ग्रोन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। अगला है कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन इन द अपर एटमोस्फेयर, तो जो ओजोन परत होती है वो हमारे वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में जो होती है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में इस ओजोन परत का मेन फीचर फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या है। तो सबको पता है कि मुख्य कार्य है अल्ट्रा वायलेट रे को आने से रोकना, यानी पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी की रक्षा करना, ठीक है। अगला है कि व्हेन ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, अगर हमें कनकेव मिरर को ले लें, कनकेव मिरर आपको पता होगा ऐसे होता है, ठीक है, तो एक कनकेव मिरर ले लें एंड इज प्लेस फेसिंग द सन, और इसका चेहरा ना सूरज की तरफ कर दें, तो द सन रे कन्वर्ज टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर, तो सूरज की किरणें आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगी, तो उस बिंदु को बोल रहा है कि वो 10 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि नाउ इफ यू प्लेस ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर आप मुख्य अक्ष पे 20 सेंटीमीटर दूर, तो 10 तो फोकस दूरी हो गया, तो 10 और आगे यानी सी पर, एफ पर, ए पी पर, तो यहां पर एक 2 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रख दें, तो कह रहा है कि ऑफ द मिरर, तो वेयर वुड बी द प्लेस ऑफ स्क्रीन टू बी ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल, तो इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको पर्दा कहाँ रखना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे तो पहली किरण ऐसे समांतर जाएगी, फोकस जाएगी, हम दूसरा बनाएंगे फोकस जाएगी समांतर जाएगी, तो सी और एफ के बीच में इसका मतलब सी पर ही बनेगा, सॉरी सी पर रखा है ना, तो एक सीधा जाएगा समांतर आएगा, फिर सीधा जाएगा समांतर आएगा, और ये एफ पर कट सी पर ही कट जाएगा, तो सी पर ही बनेगा, तो हम कहां पर रख देंगे स्क्रीन यानी पर्दे को, तो सी पर ही रख देंगे यानी एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र को सी कहते हैं। एंड व्हाट वुड सी द साइज ऑफ द इमेज, तुम्हें इमेज का साइज क्या दिखेगा, हमें दिखेगा सेम साइज का, ठीक है, तो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, तो इसका रे डायग्राम आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है इफ यू फाइंड कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन ए सैंपल ऑफ वाटर कलेक्शन कलेक्टेड फ्रॉम ए रिवर, तो व्हाट वुड यू कंक्लूडेड गिव रीजन फॉर सच काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन, अगर तुम्हें कोई पानी मिले और उस पानी में तुम्हें कोलिफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया जीवाणु मिल जाए नदी के पानी में, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है और इस पानी पोल्यूशन को गंदा करने में क्या योगदान है, तो हमारा उत्तर होगा कि पानी जो गंदा होता है वो नालियों वालियों के कारण होता है, और अगर पानी में कोलिफॉर्म नाम का जीवाणु पाया जाता है तो ये पानी का प्रदूषण होना बताता है, और ये जो कोलिफॉर्म होता है ये मानव के जो इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत पेट के अंदर, तो उसमें भी पाया जाता है, तो पानी के अंदर इस जीवाणु का मिलना सूक्ष्म जीवों का होना और बीमारी का होना दर्शाता है, यानी पानी गंदा है, ठीक है।
तो पानी के गंदे होने का कारण बहुत सारा है, लोगों द्वारा कचरा फेंकना, कूड़ा फेंकना, फैक्ट्रियों द्वारा रासायनिक पदार्थ फेंकना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज आइसोमर्स, यानी आइसोमर्स क्या होते हैं, समानवन्वय क्या होता है। देखो क्या होता है आइसोमर्स, कि ऐसे कार्बन के यौगिक, ठीक है, या ऐसे यौगिक जिनकी आणविक सूत्र तो समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका जो संरचना है वो अलग अलग है, यानी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग है। आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज आर नॉट पॉसिबल, तो जो पहले तीन तत्व होते हैं एल्केलिन के उसे बनाना संभव होता है। तो गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को बताने के लिए इसको सत्यापित कीजिए, एंड्रो स्ट्रक्चर ऑफ द टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो इसका कारण बताइए और दो स्ट्रक्चर और बनाइए ब्यूटेन का, ठीक है, तो C4H10 का। देखो जो तीन सदस्य होते हैं एल्केन ग्रुप के, आपने पढ़ा होगा एल्केन एल्कील एल्काइन, जिसका फॉर्मूला CN H2N+2 होता है, तो एल्केन में हो जाता है CH4 C2H6 और C3H8। तो इसका हम ना आइसोमर्स यानी नहीं बना सकते, दो से ज्यादा मतलब एक ही से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास ना मतलब वो ब्रांच बनाने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, तो इसलिए ये शाखा नहीं बना सकते, ब्रांच नहीं बना सकते, ठीक है। अब तो मैं दो स्ट्रक्चर बनाना था CH4 का, तो एक तो ऐसे सीधा वाला बन जाएगा, ठीक है, और एक तीन सीध में और एक ऊपर या नीचे बना देंगे, बाकी जगह आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देंगे, तो इससे आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, एक ना कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है एक्स, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये कमरे के ताप पे द्रव होता है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोलवेंट, ये बहुत अच्छा विलायक है, एंड हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O5 है, ठीक है, C2H6O लिखा था। ऑन ए ऑक्सीडेशन एक्स गिव वाई, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाई बन जाता है, C2H5OH कर लेंगे आप इसे, ठीक है, तो ये अल्कोहल है यानी, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो वाई बनता है, विच गिव ब्रेक इफरवेसेंसिस और रिचिंग विद द NaCO3, और ये क्रिया करके NaHCO3 के साथ क्रिया कर सकता है, और X रिएक्ट विद Y इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू गिव अनदर कंपाउंड Z, और यही पदार्थ को जब X Y से रिएक्ट करता है और फिर वही उसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल को इन दोनों के साथ क्रिया कराएं तो एक नया कंपाउंड Z बनता है, विच हैज ए प्लेजेंट स्मेल, जिसकी जो सुगंध होती है बहुत ही सुहावनी होती है, मृदु होती है, एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, तीनों को पहचानना है कि एक्स वाई जेड कौन है, एंड आल्सो केमिकल इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द वाई एंड जेड, वाई एंड जेड के बनने को भी दिखाना है। देखो एक्स का नाम आपका इथेनल है, इथेनॉल है जिसका फॉर्मूला C2H5OH है, वाई का नाम इथेनोइक एसिड है यानी इथेनोइक एसिड CH3COOH है, और जो जेड है उसका नाम आपका एस्टर है जिसका फॉर्मूला CH3COOC2H5 है। अब मैं इसकी जो क्रिया विधि है वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो एक्स है जिसका नाम हमने भी बताया CH3CH2OH भी लिखते हैं या C2H5OH भी लिखते हैं, ये जब क्षारीय यानी अल्केलीन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ क्रिया करता है गर्म करने पर, हीट करने पर, या फिर ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं इसको, तो ये आपका CH3COOH यानी वाई बन जाता है एसिटिक अम्ल। उसके बाद ना हम एसिटिक अम्ल लेते हैं CH3COOH यानी वाई, और इसको मिला देते हैं एक्स के साथ यानी C2H5OH के साथ, और इसमें एसिड मिलाया था अभी आपने H2SO4, तो आपका क्या बनता है CH3COOC2H5 यानी एस्टर बनता है जेड, ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमें बतानी थी। उसके बाद अगला
ये कह रहा है कि एन एलिमेंट ए, कोई तत्व ए है बिलोंग टू ए थर्ड पीरियड, जो तीसरे पीरियड यानी आवर से संबंधित है, एंड 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के 17वें समूह से संबंधित है, तो तीसरे आवर तो 17वें समूह से संबंधित है, तो राइट द एटॉमिक मेंबर, राइट एटॉमिक मेंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, तो ये कौन सा एटॉमिक नंबर है, तो इसका तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो एटॉमिक नंबर 17 हो गया। फिर इसने पूछा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो 2, 8, 7 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पूछा है कि स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल, बताओ ये धातु या धातु, आपको पता होगा 17 पे क्लोरीन है तो यह धातु नॉन मेटल हो गया। एंड राइट द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म इफ ए रिएक्ट विद द अनदर एलिमेंट बी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अब इसको ना ए को बी के साथ क्रिया कराना है, तो ए को जब बी से क्रिया कराओगे इसके पास बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रहण करेगा, ये धातु है, और बी के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु है, तो ये धातु है और ये धातु है, तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक बंध बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड बन के बी पहले और ये बाद में आ जाएगा, तो बी पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, आयनिक बंध बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा कि बी प्लस और ए माइनस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, ये आपको बेरियम, फ्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम दिया हुआ है, 4, 9, 19, 20, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब कहता है सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, उसमें से वो चुनो जिसका एक इलेक्ट्रॉन हो, और इन द आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कोष में, तो हो गया पोटेशियम, क्योंकि 19 में 2, 8, 8, 1 हो जाएगा ना, तो ये आपका हो गया, ये वाला आंसर हो गया पोटेशियम के। अब दूसरा बोल रहे हैं सेलेक्ट टू एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब दो एलिमेंट सुनो जिनके सेम ग्रुप के हों, तो देखो ये आपका बेरिलियम 4 है तो ये 2-2 हो जाएगा, और ये 20 है तो 2, 8, 8, 2, तो इसके बाहरी कोष में 2-2 सेम है तो सेम ग्रुप के हो गया, तो बेरिलियम और कैल्शियम। राइट द फॉर्मूला एंड स्टेट द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रिक एलिमेंट के रिएक्ट विद एन एलिमेंट एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो बताओ कि रासायनिक सूत्र और प्रकृति के का, यानी पोटेशियम का, देखो पोटेशियम पे अभी हमने देखा कि 19 है तो इसके बाद प्लस का एक आयन है, और ये 287 क्लोरीन होता है एक्स, तो इसके बाद माइनस एक होगा। अब जब दोनों ये क्रिया करेंगे तो आपका बन जाएगा के एक्स, यानी के प्लस और एक्स माइनस, तो यह बनेगा आपका आयनिक बंध, यानी आयनिक बंध मतलब आयनिक कंपाउंड बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में एक है तो इसे त्याग करना है, और इसके बाहरी कोष में 7 है इसे ग्रहण करना है, तो ये ग्रहण कर लेगा, ये त्याग देगा, तो बन जाएगा ये, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम ऑफ द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन ईच ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लेनेरिया व्हेन वेयर बॉडीज कट इनटू 3 पीस, नन दिस प्रोसेस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द सिमिलर प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व। बोला है कि एक चित्र बनाइए जिसमें बताइए कि जो प्लेनेरिया होता है उसके अगर हम 3 टुकड़े कर देते हैं तो उससे नए भाग और नए जीव विकसित हो जाते हैं, क्यों होते हैं ऐसा, और फिर ऐसा एक और प्राणी का नाम बताना है जिसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे हम जानते हो आप एक चित्र बनाओगे प्लेनेरिया का, 2 आंख वाला, इसे 3 हिस्सों में काट दोगे और तीनों हिस्सों को ऐसे अलग अलग बना दोगे, आपकी बुक में एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो ऐसे बना लेंगे तीनों हिस्से ऐसे ऐसे बना लेंगे, और लिख देंगे कि चित्र बनाने के बाद हम लिख देंगे ना कि ये इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं, फिर चित्र बना देंगे। प्लेनेरिया को हम काट के 3 हिस्से दिखा देंगे और बता देंगे कि इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है, यानी एक विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनके पास विशेष हार्मोन होता है जिससे ये अपने कटे हुए अंगों को, कोशिकाओं को, उत्कों को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा का चित्र भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिस्ट टू फंक्शन, हमें दो फंक्शन यानी कार्य बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मादा जनन अंग में ये क्या काम करते हैं, ओवरीज माने अंडाणु, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस गर्भाशय क्या काम करते हैं, तो आपने अवश्य पढ़ा होगा कि ये क्या काम करते हैं। देखो ओवरीज जो होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न करता है
और फीमेल गैमेट्स भी उत्पन्न करता है, तो एक सेक्स हार्मोन और एक फीमेल गैमेट्स भी उत्पन्न करता है। और जो फेलोपियन ट्यूब होता है ये ट्रांसफर करता है फीमेल गैमेट्स को, ओवेरी से यूटेरस तक ट्रांसफर करता है। और दूसरा काम क्या करता है ये, तो ये फर्टिलाइजेशन निषेचन में, निषेचन का स्थान है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यूटेरस क्या करता है, यूटेरस ना जायगोट बनाता है, और जायगोट बनाने के बाद उसको पोषण में, मतलब जो इम्ब्रियो होता है ना भ्रूण, भ्रूण का विकास इसी में होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कह रहे कि डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए न्यू बोर्न इंडिविजुअल, इट कैन बी एनवायरमेंटल कॉजेज क्योर्स और जेनेटिकली डिटरमाइंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट द गिवन रीजन। कह रहा है कि ऐसे अलग अलग स्पीसीज के प्राणी होते हैं जिनमें जो लिंग निर्धारण होता है उनका ढंग अलग होता है, पर्यावरण कारकों पर कुछ निर्भर होते हैं तो कुछ जीन पर निर्भर होते हैं, उनके बारे में भी बताना है। लिख देंगे ना कि इन्वायरमेंट पे कौन कौन से होते हैं, तो इन्वायरमेंट में कुछ जैसे प्राणी होते हैं ना वो अपने तापमान के द्वारा, जो निषेचित अंडे होते हैं उनके तापमान परिवर्तन के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। जैसे हमने पढ़ा था जो कि कछुआ होता है, अगर उसे ज्यादा तापमान मिलता है तो नर होता है, ठीक है, और वही एक छिपकली होता है वो, उसको भी ज्यादा तापमान मिलता है तो मादा होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्राणी जैसे स्नेल घोंगा होता है ना, ये इनमें लिंग निर्धारण कभी भी ये बदल सकते हैं, इनमें जो लिंग है वो बदलता रहता है। और जेनेटिक में होता है आपका, जैसे पिता से अगर एक्स मिलेगा तो लड़की होती है, और पिता से अगर वाई मिलेगा तो लड़का होता है, तो ये होता है अनुवांशिक लिंग सूत्र के कारण होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका कीमती समय देने के लिए।